हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसे हम ITC भी कहते हैं। इसका मतलब हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। हमारे एग्जांपल में हम तीन पार्टीज़ लेंगे, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। मान लेते हैं कि जो रिटेलर है उसने होलसेलर से सामान खरीदा और सामान खरीदते वक्त उसने टैक्स दिया 300 रुपये का। जो टैक्स रिटेलर ने होलसेलर को सामान खरीदते वक्त दिया उसे कहते हैं टैक्स ऑन इनपुट, यानी जब रिटेलर ने इनपुट खरीदा, सामान खरीदा बेचने के लिए, तब उसने होलसेलर को 300 रुपये का टैक्स दिया, उसे कहते हैं टैक्स ऑन इनपुट। अब रिटेलर ने सामान खरीद लिया, अब वो सामान को वो कंज्यूमर को बेचेगा, तो वो जब कंज्यूमर को वो सामान बेचेगा तो कंज्यूमर से वो सामान के लिए टैक्स भी कलेक्ट करेगा। तो मान लेते कि कंज्यूमर से रिटेलर ने 450 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया, इसे हम कहते हैं टैक्स ऑन आउटपुट। तो ITC का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि जो टैक्स ऑलरेडी वो रिटेलर इनपुट खरीदते समय दे चुका है वो टैक्स वो एडजस्ट कर सकता है, और जो बैलेंस बचता है उसे ही वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा एज अ टैक्स। मतलब जब रिटेलर ने सामान खरीदा था तब वो 300 रुपये का टैक्स दे चुका था और उसने कंज्यूमर से कलेक्ट किए 450 रुपये का टैक्स, तो ये 450 रुपये का टैक्स में पूरे 450 रुपये रिटेलर गवर्नमेंट को जमा नहीं करेगा, उसमें से 300 रुपये जो उसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उसे वो माइनस कर सकता है। तो 450 माइनस 300 इज इक्वल टू 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का टैक्स ही है जो रिटेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। मतलब जो टैक्स रिटेलर ने इनपुट खरीदते समय, यानी जब उसने होलसेलर से सामान खरीदा तब उसने जितना टैक्स दे दिया है उतने की उसे क्रेडिट मिल गई, यानी उतना टैक्स उसे नहीं चुकाना। इसे ही हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। थैंक यू।